Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, and also welcome to Sam Sand Dunes vlog. Sam Sand Dunes is one of the most authentic desert dune site in whole India, where you will find 30 to 60 meter tall sand dunes, and many travelers enjoy desert safari on camels or jeep. Sam is 45 kilometer west from Jaisalmer city. Many desert camps are built in 2 to 3 kilometer radius of sand dunes. Oasis is one of the best campsite in Jaisalmer. यहाँ आपका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है. यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है और यहाँ पे पैकेज में इंक्लूडेड होता है. कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जो फूड है सब कुछ इंक्लूडेड होता है इनके पैकेज में. तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो थोड़ा फ्रेशन अप होने गए थे. एंड उसके बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए हमें लेट नहीं होना था, इसलिए हम फटाफट रेडी होने चले गए. यहाँ आसपास ही बहुत सारे कैंप साइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, तो सभी आपको कल्चरल प्रोग्राम्स और फूड पैकेज में इंक्लूड करके ही देंगे. तो ये है इनका टेंट रूम. एंड ज़्यादा लेट पहुँचने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई. उस टाइम कल्चरल प्रोग्राम था एंड अंधेरे में अच्छी वीडियो भी ना आती, इसलिए मैंने दूसरे रूम में मॉर्निंग में जाके वीडियो कैप्चर की, ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं कि इनका रूम कैसे दिखता है. जितना सिंपल ये बाहर से दिख रहा है, उतना ही सुंदर ये अंदर से है. और इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की है. बहुत ही अच्छा लुक है इसका. यहाँ पे आके स्टे करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है और आपको ज़रूर लाइफ में एक बार आना चाहिए और ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए. इतनी रेत के पास एक बहुत ही अच्छी वाइब होती है, आप ज़रूर आइए. तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले ये हमें पकौड़े और चाय सर्व किया था और ये पैकेज में ही इंक्लूडेड था. और साथ ही कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. उसके बाद हमने डिनर खाया, दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, सांगरी, राइस, चपाती, गट्टे की सब्जी, आलू मटर, जो कि बहुत टेस्टी था.
इसी पैकेज में सब कुछ इंक्लूड होता है, कैमल राइड, जीप सफारी। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया में इतना कुछ देखने को है। जैसलमेर बहुत सुंदर है, सैंड ड्यून बहुत सुंदर है, इतनी रेत ही रेत है। सो फाइनली वी आर रेडी फॉर डेजर्ट सफारी। एंड ये सुबह सुबह का टाइम है, वैसे उन्होंने हमें बोला था और जल्दी उठने को, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे सनराइज़ देखने के लिए। ऑलमोस्ट सनराइज़ हो चुका था तब तक। बहुत ज़्यादा तैयार होके जाने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, डेजर्ट सफारी में वैसे भी आपके बाल ख़राब ही होंगे एट दी एंड। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम एंड बहुत ठंड लग रही थी। इस वीडियो को देख के आपको आइडिया लग गया होगा ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, एट दी एंड बाल ख़राब ही होंगे आपके। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, इतनी सारी सैंड में सनराइज़ बहुत सुंदर लग रहा था, व्यू बहुत अच्छा था, इट वॉज सो पीसफुल। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा डेजर्ट सफारी का। एंड बीच में मैं वीडियो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई उस टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतनी ऊपर रेत से वो नीचे लेकर आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पहुँच कर ही वीडियो दोबारा बनाई है। यहाँ पर मैंने देखा बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो इन केस अगर आप वो चीज़ें करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। विंटर ही एक उनका सीज़न है जिस टाइम पे लोग वहाँ विज़िट करते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं, यही बेस्ट टाइम है आपका विज़िट करने का सैंड ड्यून्स का। उसके बाद कैंप में वापस आके हमने ब्रेकफास्ट किया, बिकॉज़ हम अर्ली मॉर्निंग चले गए थे डेजर्ट सफारी के लिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कैंप साइट, और आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर आइए और ये एक्सपीरियंस लीजिए।